प्लीज वीडियो मत बनाना यहां पे, ठीक है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड दोस्तों, आज है ना, घर पे ब्लॉग नहीं होने वाला है, ठीक है? मैं जाने वाला हूँ सौरभ भैया से मिलने, सौरभ जोशी ब्लॉग्स भैया से मिलने, ठीक है? और उनके लिए आज से मेरा जर्नी स्टार्ट है, और कितने दिन में मिल पाता हूँ तो आपको दिखेगा। मम्मी हमारे यहाँ पे सब मतलब मीठा वगैरह डाल रही है, ठीक है? क्योंकि अगर रास्ते में कहीं प्यास वगैरह लग जाएगा तो पानी सानी पीने के लिए तो वही होगा। तो वही मम्मी लोग सब बना इधर तैयार कर रही हैं जरमा, और इधर हमारा बैग देखिए रेडी हो गया है, इधर सब पैक वगैरह कर चुके हैं और कुछ सामान बचा है तो उसको भी ले लेते हैं, है ना? तो अभी हमारी जाने की बारी हो गई, ठीक है? हमारा बैग वगैरह सब रेडी हो गया और पापा जाएंगे हमें ड्रॉप करने, पापा भी रेडी हो गए, ठीक है? और मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है? ठीक है मम्मी, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? अम्मा, अब गाइस अम्मा नहीं है, अम्मा तो मई के नहीं तो अम्मा का भी आशीर्वाद लेते मस्त हो जाते, ठीक है? तो अम्मा गई है तो हमारे लौटते अम्मा भी आ जाएगी, ठीक है? चलो ठीक है, अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? ये रहे हमारे पापा जी। पापा जी ब्लॉग में बहुत कम आते हैं क्योंकि ये ट्रैक्टर हमारे पापा जी चलाते हैं ना, तो हमेशा वहीं पे चले जाते हैं, इसलिए ब्लॉग में नहीं आ पाते हैं। तो धूप बहुत ही ज़्यादा था, इसीलिए हम लोग ने तौलिया ले लिया, पापा ने और मैं भी ले लिया था। बहुत ही ज़्यादा देखो धूप है, एकदम गर्म गर्म सा। सो पापा हमें यहाँ पे छोड़ दिए स्टेशन पे, और पापा भी जा रहे हैं, ठीक है? तो पापा ठीक है, जाइएगा, आशीर्वाद लेते हैं। फाइनली ट्रेन आ चुकी है अपने प्लेटफॉर्म पे, और अभी चलते हैं, बैठते हैं, जगह होगा मस्त एकदम, बैठने के बाद सीधा पहुँचते हैं। सो फाइनली भाई हम लोग बैठ गए और ट्रेन में मस्त एकदम, और ये ट्रेन ना भाई 20 मिनट लेट हो गई क्योंकि ट्रेन कोई उसी पटरी पे थी तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और अभी गाड़ी यहाँ से चल रही है और भाई मूड मिल रहा है मस्त एकदम, हमें तो एकदम देसी लग रहा है ना, रुमाल वगैरह मस्त बांध लिया क्योंकि धूप ज़्यादा है ना, इसीलिए। नेक्स्ट डे सौरभ जोशी ब्लॉग्स इंट्रो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सौरभ भैया का क्यों कॉपी कर रहा है, तो फाइनली दोस्तों सौरभ भैया मेरे फेवरेट यूट्यूबर ब्लॉगर है, ठीक है? मेरे फेवरेट है, तो उनसे मिलने के लिए मैं कहाँ से आया हूँ, इलाहाबाद से हल्द्वानी स्टेशन, ठीक है? मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये नहीं पता कि उनका एड्रेस कहाँ पर है, बस मुझे ये मालूम था सिर्फ हल्द्वानी, ठीक है? अब उनका घर कहाँ पर है, गाँव कहाँ पर है और एरिया कहाँ पे है मुझे ये भी नहीं पता। और हाँ, आते आते मुझे मेरे साथ एक भाई मेरे साथ हो गए, ठीक है? वो भाई कौन से हैं आपको मिलवाते हैं, मेरे बोगी में ही बैठे हुए थे और मुझे पता नहीं था, लेकिन बैठते बैठते बात होने लगी तो वो भी सौरभ जोशी से ही मिलने आए थे, ठीक है? तो भैया जी यहाँ पे पीछे हैं, आपको मिलवाते हैं। हेलो बोलिएगा पहले। हेलो, क्या नाम है आपको बता दीजिए पहले। ऐसा तो मुझे, मैं प्रोफेशन से जादूगर हूँ, मैजिशियन हूँ, तो मुझे लोग जादूगर बी के पाशा के नाम से जानते हो पहचानते हैं। ये जादूगर भैया ने इन्होंने एक जादू भी दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ठीक है? और भैया भी मिलने चलेंगे और मैं भी मिलने चलूँगा, ठीक है? और रास्ता आपको मालूम है, एड्रेस वगैरह कुछ मालूम है? भैया हम घर से ऐसे ही निकल गए, कुछ पता नहीं है, बस ऐसे निकल पड़े, जैसे देखा जाएगा जो होगा। वीडियो में हल्द्वानी देखे थे, अब हल्द्वानी से पूछ के जाया जाएगा क्या किया जाएगा। हाँ, वीडियो में भी हल्द्वानी देखा था। चलिए फिर भैया जी को ढूंढते हैं और एड्रेस सब भाई लोग से पूछते हैं कि क्या एड्रेस है और कैसा है, ठीक है? तो अभी हम लोग कुछ खाए भी नहीं तो ऐसे खा भी लेंगे और एड्रेस ढूंढते ढूंढते और क्या है, इधर गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, पैदल चलना है कैसे चलना है, तो आपको वीडियो में देखेगा। और सौरभ भैया मैं आपसे मिल के आऊँगा, ठीक है? मैं मिलूँगा आपसे चाहे जैसे मिलूँगा, और भाई लोग मैं सौरभ जोशी भैया से मिलूँगा चाहे जैसे मिलूँगा, ठीक है? क्या भैया मिल के आएंगे? नहीं, बिल्कुल मिल के आना है, कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो होगा, उनके घर के सामने ही रहेंगे, मिल के आएंगे, ठीक है? चाहे मिले एड्रेस ना मिले, लेकिन हम लोग जाएंगे चाहे जैसे, बस ये हल्द्वानी पता है ना, बहुत ही मालूम है हम लोग को, अब इसे हम लोग ढूंढ लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं भाई को ढूंढने, ठीक है? बाहर आए हुए थे और यहाँ पे पूरी सब्जी वाले भैया जी मतलब बना रहे थे, तो हमने सोचा कुछ ना खा चले, ठीक है? और खाना खाने के बाद काफ़ी समय बाद पैदल चल रहे थे और यहाँ पे भैया जी ऑटो वाले मिले तो वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? चलो चलो, और हमारे साथ तो भाई हैं, तो चलिए। उनका एड्रेस पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट वहाँ पे चलते हैं, ठीक है? तो आपको जाने के बाद बताएंगे, ठीक है? सो हम सौरभ भैया के सोसाइटी आ गए हैं और हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि हम उनके सोसाइटी में आए हुए हैं, ठीक है? और कैसे मतलब इतना एक्साइटेड हूँ कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है? और काफ़ी समय के बाद ये देख सकते हैं सोसाइटी उनका, और कसम से यार जो हम लोग रियल में मतलब जो वीडियो में देखते हैं वो रियल आज
सोसाइटी में आए हुए हैं और सौरभ भैया अभी देखते हैं होते हैं कि नहीं, और चलिएगा देखते हैं और मिल जाएंगे तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो अभी मैंने सोसाइटी के गार्ड वाले अंकल से पूछा कि अंकल जी मुझे सौरभ भैया से मिलना है, तो उस अंकल ने क्या बोला आपको दिखाते हैं, एक मिनट वेट करिएगा। ये चीज़ दिखा रहे हैं अंकल, बोले इसको पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे सौरभ भैया जा रहे थे बट मैंने हाथ दिया बट रुके नहीं, तो ठीक है देखते हैं कब मिलते हैं, इतना एटीट्यूड है सौरभ भैया के पास। तो दोस्तों मैं अभी सौरभ भैया के सोसाइटी के सामने हूँ और यहाँ पे अभी रेस्ट ले रहा था, क्योंकि हम लोग जैसे ही वहाँ से आए ना वैसे ही धूप में तो तुरंत ही सौरभ भैया थार लेके निकले, तो मैं सोचा इसी बहाने तुरंत रुकवा लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग आके भी चले जाते हैं बट मिल नहीं पाते हैं। दोस्तों आप लोग ने देखा कैसे सौरभ भैया हमको इग्नोर कर दिए, मैं था और मेरे साथ जो एक बंदा था वो था बस, बाकी और कोई नहीं था। सौरभ भैया अपना एटीट्यूड दिखाते हुए चले गए। ठीक है, और लास्ट में कैसे मिले, ठीक है आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे मिले हम लोग, और मिले, हाँ मिले तो क्या हुआ। ठीक है, मिलने के बाद दूर से आए तो क्या हम लोग को मिला, तो आपको दिखाते हैं पहले। सही है, ठीक है, आप लोग ने देखा वीडियो अलाउ नहीं है, हम लोग कितना रिक्वेस्ट कर रहे थे तो फोटो के लिए भी, तो बोले चलो ठीक है थार के आगे, ऐसे थार के आगे फोटो नहीं चवा रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ सौरभ भैया अगर आप वीडियो नहीं बनवा रहे हो बल्कि एक्सपोज से मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इतने दूर से आए, जैसे मैं इतने दूर से गया तो मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है, कि मैं इतने दूर से आया अगर कुछ वीडियो में बोल भी दिए होते भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, तो वो बेस्ट पड़ता, तो मैं डालता खास। फाइनली सौरभ भैया मिल गए और बोले लाइक सब्सक्राइब सब कर दें, ठीक, मैं यही लिखता था थंबनेल में, अब नहीं बोलो तो मैं ये लिख दिया गुस्से में, ठीक, गुस्से ही है ना, तो इससे बल्कि सौरभ भैया आपको ज़्यादा एक्सपोज मिल जाएगा। अगर आप देखते हो तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, सो फाइनली सौरभ भैया मिल गए अभी अभी जस्ट, तो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अभी देखो उनकी थार जा रही बैग से, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो सौरभ भैया जब मिले तो रियल में कैसे लग रहे थे और ब्लॉग में कैसे लग रहे थे, बहुत ही अलग फील हो रहा था मुझे। ठीक है, और मैं थोड़ा इमोशनल टाइप हो गया था और मज़ा आ गया भाई, लेकिन सौरभ भैया सबसे मिले और अच्छा लगा बहुत ही। ठीक है, और थार के आगे मेरा सौरभ भैया थार के आगे फ़ोटो खिंचवाइए, तो बोले ठीक है थार के आगे मैं फ़ोटो क्लिक करवा देता हूँ, पहले तो बोले ना ना बट उसके बाद बोले चलिए ठीक है क्लिक करवा देता हूँ। मैं तुरंत ही खींच के मतलब हम लोग फोटो वगैरह क्लिक वगैरह जो करवाना करवा लिए और करवा के, फिर उसके बाद अभी हम यहाँ पे रेस्ट ले रहे थे। ठीक है, अब फिर चलते हैं, अब किसी दुकान पे थोड़ा बैठेंगे, पानी वगैरह पियेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है दोस्तों, क्योंकि हमारा हालत ख़राब हो गया है ट्रेवलिंग करते करते, और आज चार से पाँच दिन हो गया नहाए हुए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सौरभ जोशी के बाहर का नज़ारा कुछ इस टाइप का है, उनके सोसाइटी का बाहर का नज़ारा एकदम, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होटल था और यही हम लोग रेस्ट कर रहे थे, पूरी धूप बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, और इस होटल के ओनर भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं, भैया ने हम काफ़ी देर तक रोका। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आराम किए, तो बहुत ही अच्छे भैया। और भैया जी कैसे हो आप, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के, और आप सौरभ जोशी को जानते हैं ना, तो मतलब भैया बोल रहे हैं कि आप तो मिल भी गए और बहुत सारे भाई आते हैं मिल भी नहीं पाते हैं, ठीक है, उसी रीजन की वजह से है ना भैया। हाँ जी, चलो हम निकल चुके हैं। ठीक है, यही है पंजाबी ढाबा और हम चलेंगे अभी घर पे। ठीक है, और पहले स्टेशन जाना होगा, कोई गाड़ी मिलती है, ठीक है, इतने मेहनत करने के बाद आए थे। ठीक है, चलो कोई नहीं, खैर जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। और आपको पहले उनका दिखाता हूँ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी कहाँ पे है उनका, मेन रोड है और सोसाइटी ये रहा, ये सोसाइटी जाती है सौरभ भैया के सीधा, यही सोसाइटी है और ये पूरा मेन रोड है, तो ये सोसाइटी सब लोग जाते हैं, जो मिल रहा है तो वहीं सोसाइटी मिला, अभी मैं भी मिला था वहीं पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और सोसाइटी को सौरभ भैया को बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों मैंने सौरभ भैया को और उनके सोसाइटी को बाय बोल के अपने घर पे हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना ब्लॉग अपने घर पे एंड करे, बता के कि क्या रीज़न, क्या मतलब कैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वहाँ जाने के बाद। अगर कोई भी मिलना चाहता है दोस्तों प्लीज मत जाना यार, सिर्फ एक फ़ोटो मिलेगा, फ़ोटो से कुछ भैया कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, जो भी जाता है ब्लॉगर जाता है मिलने, अक्सर तो ज़्यादा ब्लॉगर ही जाते हैं। ठीक है, मिलने, क्योंकि अगर जाएंगे उनका फेस वैल्यू थोड़ा, अगर ब्लॉग बनाएंगे नया चैनल रहेगा थोड़ा ग्रो होगा, इसलिए लोग जाते हैं। बट सौरभ भैया ना वीडियो बोलेंगे नहीं मत बनाओ, वीडियो बनाओ मत, वीडियो अलाउ नहीं है, ऐसे बोलेंगे अलाउ नहीं है, वीडियो अलाउ क्या भैया, थोड़ा अगर बोल देंगे जैसे फ़ोटो खिंचवा रहे से वीडियो बना लो थोड़ा। ठीक है, इतना दूर से जाते जैसे मैं इलाहाबाद से गया, सिर्फ एक फ़ोटो मिला, एक फ़ोटो क्लिक कर लो जाओ,
भाई अब इतने दूर से हम गए हैं, अगर वीडियो में बॉस बोल दीजिएगा हाँ भैया इतने दूर से आए हैं, इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो, तो बल्कि उससे हमें तब हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम जब ये भैया बात बोलेंगे नहीं कर पाएंगे, जब बोलेंगे वीडियो मत बनाओ, कोई भी रहेगा बंदा अगर कैमरा चालू कराए तो रिकॉर्डिंग जरूर चालू होगा, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसीलिए लोग एक्सपोज कर देते हैं, नहीं मिलते हैं तब, नई वीडियो बनाओ तब एक्सपोज कर देते हैं, ज़्यादातर आप देखे होंगे। तो अगर मिल लिए होते हैं तो हमें थंबनेल में डालता फाइनली सौरभ भैया मिल गए, सौरभ भैया ने मुझे ये खिलाया ये पिलाया, तो यही होता है, ठीक है। तो अगर सौरभ भैया आप अगर हमारा ब्लॉग देख रहे हो तो सौरभ भैया प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ठीक है, फोटो पर क्लिक मत कराइए, नहीं बल्कि आपको इससे ज़्यादा हेट मिलेगा, ठीक है। और जो भी ब्लॉग देख रहे हैं हमारे, तो सही में बोला गलत बोला कमेंट करके बताना, अगर बल्कि ब्लॉग नहीं बनवाएंगे तो उनको ज़्यादा हेट मिलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये समझा रहा हूँ, तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा कि मैं क्या गलत बोला हूँ कि सही बोला हूँ। चलिए दोस्तों, बस मैं इस ब्लॉग को बस एंड करता हूँ एंड आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हो तो भाई अपने ऊपर ले जाना, मैं बता दिया हूँ किसी फोटो मिलने वाला वीडियो नहीं मिलने वाला है, बस आपको यही बताने के लिए मैं ये घर पे एंड कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, रीजन नहीं। चलिए गाइस, इस ब्लॉग के आपको जरूर समझ में आया होगा कि सौरभ भैया के पास जाना है नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वो फोटो खिंचवाते हैं, आप लोग को पता है, आपको दिखा दिया लाइव प्रूफ। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और किससे मिलने जाऊँ कमेंट करके बताना। और चैनल पे नए हो तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आपके लिए सौरभ भैया के पास गया, ठीक है, आपके लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय।